नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रोहित आनंद। वर्तमान वीडियो में यदि आपकी कुंडली के अंदर सूर्यदेव 11वें स्थान पर यानी कि लाभ स्थान पर विराजमान हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो कुप्रभाव आपको प्राप्त हो रहे हैं उनसे बचने के क्या कुछ उपाय हो सकते हैं वो बताने जा रहा हूँ। और उसका नकारात्मक प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिल रहा है तो उससे बचने के लिए आपको सोते समय अपने सिरहाने कुछ बादाम रख के सोना है। जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है उसको यदि अपन सम करते हैं, यानी कि अगर आपका जन्म 11 तारीख को हुआ है तो अपन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 2। यदि आपका जन्म 18 तारीख को हुआ है तो आप 1 और 8 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 9। इस तरह से जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है उतने बादाम यदि आप अपने सिरहाने रख के सोते हैं और सुबह उसे यदि आप मंदिर में दान कर देते हैं, मंदिर में जाकर के बांट देते हैं लोगों के अंदर, तो निश्चित रूप से सारे कुप्रभाव से आपको मुक्ति मिल जाती है। यदि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि आप बादाम अफोर्ड कर सकें तो आपको बादाम के स्थान पर एक मूली भी आप रख सकते हैं। मूली रख के सो जाइए अपने सिरहाने और सुबह उसको किसी गाय को खिला दीजिए या मंदिर में जाके दान कर। इसके अतिरिक्त आपको मांसाहार और शराब के सेवन से पूर्णतः बचना है। ना तो शराब पीनी है और ना ही मांस का सेवन करना है। यदि ये आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सुप्रभाव प्राप्त होंगे चमत्कारिक रूप से। जो भी गलत प्रभाव सूर्य के आपको मिल रहे हैं 11वें भाव में होने से वो सभी समाप्त हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सभी जानकारी आपको लाभ प्रदान करेगी। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।